नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पालवी श्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बुध पर्वत से निकली भाग रेखा या बुध से निकली बिजनेस रेखा आपके बिजनेस को कैसे सफल बनाती है और आपको कैसे एक अमीर बनाती है। और दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली है हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है। जो भी एक्टिविटी होती है हमारे जीवन के बारे में, हमारी जीवन रेखा बताती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा, हम किसी कितने गहरे विचारों में जाते हैं, किसी बात को कितना एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में बताती है। यह हृदय रेखा, हमारा किसी के साथ कितना अटैचमेंट है, हम कितना एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं उसके बारे में बताती है। सबसे पहले एक बिजनेस की रेखा, एक बुध की रेखा आपको कैसे बिजनेस में सफल बनाती है, आपके भाग को कैसे चमका देती है। सबसे पहले ये बुध की फिंगर देखते हैं। बुध की फिंगर हमारे सन के पहले पूर तक पहुंचनी चाहिए। आपकी बुध की एक्टिविटी बहुत तेज है, आपकी परखर है, बोली बाणी आपकी, आपके जो माइंड की कैलकुलेशन है काफी मजबूत है। और ये बुध के पर्वत पर ये खड़ी लाइनें आपके बोली बाणी को और परखर बना रही है। आपको एक नई नई तकनीक के बारे में आपका विचार सोच पैदा कर रही है। इसी के साथ अगर हम जब भी बिजनेस की बात करेंगे या भाग की बात करेंगे तो अपनी भाग रेखा को देखते हैं। भाग रेखा हमारी इस केतु के पर्वत से चलकर इस शनि के पर्वत तक पहुंच रही है। ऐसे लोगों का भाग काफी प्रबल माना जाता है, काफी सफल माना जाता है। अगर वो सरकार के क्षेत्र में है तो सरकार की नौकरी से उनको बेनिफिट मिलता है। अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनको बिजनेस में सफलता मिलती है। अब एक रेखा कैसे चमकाती है आपके भाग को, उसको देखते हैं। क्या हमारी जो भाग रेखा है, यहां से एक रेखा निकल कर इस हमारे बुध के पार्ट पर पहुंच रही है, बुध के पर्वत पर पहुंच रही है। ये आपके बिजनेस सेंस को बढ़ा रही है, आपके व्यवसाय को चमका रही है, क्योंकि ये प्रबल भाग रेखा है, आपके हर बुध की एक्टिविटी को बढ़ा रही है। जैसे कि अब ये बुध का जो पर्वत है ये उठा होना चाहिए, इसी में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए, दोष पूर्ण होना चाहिए। ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस में अथाह तरक्की करते हैं, एक सफल व्यापारी बनते हैं। अगर ये बिजनेस की जो रेखा है जिसको हम व्यापार रेखा बोलते हैं, ये अगर जीवन रेखा से भी चलती है तो ऐसे लोग अपने परिवार की समृद्धि परिवार से होते हैं, और वहां से भी अगर काम करते हैं तो ऐसे लोगों का जो बिजनेस होता है ये एक सफल व्यापारी के रूप में नियुक्त करता है। ऐसे लोग काफी अमीर होते हैं, क्योंकि जो बिजनेस तभी आपका सक्सेस होगा। लाइफ में अगर आप पैसे का सेविंग करेंगे, अगर यहां से आपका ये बुध की रेखा चलती है और इस बुध रेखा और ये हमारी भाग रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा में एक ट्रायंगल बनता है। ऐसे लोग पैसा संग्रह करने का काम करते हैं। जीवन में तभी आप आगे बढ़ेंगे जब आपके पास पैसा होगा। अगर आपके पास ये ट्रायंगल बनता है, बुध की रेखा सफल और कुशल है, तो जिंदगी में आपका व्यवसाय होगा तो तरक्की के साथ बढ़ेगा, आप जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और इसी बुध के पर्वत पर यहां पर अगर एक त्रिकोण बनता है, त्रिकोण क्या करता है, आपके बिजनेस सेंस को बढ़ाता है, आपके बोली बाणी को मधुर बना देता है, अपने से बैठे वाले सामने के अंदर की एक्टिविटी को समझ जाते हैं, आपके बोलने की जो कला होता है उसकी परखर बना देता है, आपका माइंड ऐसे काम करता है बिजनेस के तौर पर
कि आपके हर एक बिजनेस सेंस को बढ़ाता है, आपकी बोली बाड़ी को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, आपके व्यवसाय को लेकर एक नई से नई तकनीक पैदा करता है यहां पर ये ट्रायंगल। और ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है बिजनेस में सपोर्ट करने वाले होते हैं, और अच्छे परिवार में ऐसे लोगों की शादियां होती है। इसी के साथ अगर ये भाग रेखा है, भाग रेखा में तभी आपकी तरक्की होगी। जैसे अगर ये यहां से जीवन रेखा से कुछ रेखाएं, आपकी ऊर्ध्वमुखी रेखाएं, विकास की रेखाएं, प्रयास की रेखाएं, अगर जीवन में आपको सफलता निरंतर प्रयास करती हैं, आपको एक जगह पे स्थिर करके छोड़ देती हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करती हैं, आपके मान सम्मान में वृद्धि का काम करती हैं, जिंदगी में हर वो ऊंचाइयां आप हासिल करेंगे, बिजनेस के तौर पर, व्यवसाय के तौर पर आप एक दिन नाम, यश, फेम भी कमाएंगे। अगर उसी के साथ एक छोटी सी ही क्यों ना हो, ये हमारी सूर्य रेखा हो, ऐसे लोगों का नाम चमकता है, उनके काम से चमकता है, और उनका काफी मान और सम्मान होता है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।